सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क मॉन्स्टर हंटर का। तो गाइस आर्क मॉन्स्टर हंटर के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फाइनली वाटर वाइवरन जो है ना गाइस वो यहाँ पे टेम कर लिया था। और गाइस मैं जो एक राइव करके एक यहाँ पे ड्रैगन है उसको टेम करने की कोशिश जो है ना गाइस वो कर रहा था। बट गाइस उसके बाद मैंने जाके वापस से जब देखा ना गाइस कि वो 2000 लेवल का रुक जाओ, मेरे को पहले एक ड्रैगन ना ट्रीड बनाने दो। ओके सो ये रही ड्रैगन ट्रीट एक और ये रही एक भाई और ये रही एक और भाई, ठीक है। तो गाइस जब मैंने जाके देखा कि गाइस मैंने जिसको भाई एक भाई पिछले एपिसोड में बताया ना गाइस आपको, मैंने एक वो खिला रखा था गाइस ड्रैगन फूड, तो मैंने सोचा चलो गाइस जाके वापस से उसको ढूंढ लेते कि वो कहाँ पे गया। और वो 2000 लेवल का ड्रैगन जो है ना गाइस वो यहाँ से गायब हो चुका है और मेरे को कहीं पे भी वो ड्रैगन दिखाई नहीं दिया भाई। पता नहीं गाइस कहाँ पे गया, मैंने उसको एक भाई फूड खिला रखा था बट वो अचानक से जो ना गाइस वो गायब हो चुका है एंड कहीं पे भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए गाइस अभी आज के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मैं एक और नए गाइस इस बार ओ ये रहा यहाँ पे आ चुका ही है। ओके ओके मुझे लगा ये वाले एरिया में घूमेगा लेकिन काफी ज्यादा दूर गया था इसलिए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था भाई। और मुझे लगा गाइस कि ये गायब हो गया यार। ठीक है चलो गाइस मिल गया। और मैं ड्रैगन फ्रूट और लेके आया था और ये हंगरी नहीं हुआ है गाइस, जिसको हंगरी होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे को जो ना कि जिसके ऊपर ध्यान रखना है कि कभी ये भाई हंगरी होगा रेडी टू ईट होगा। बाकी आज का जो एपिसोड है हमारा वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाक से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पे गेमिंग विद एनी के चैनल की और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज, क्योंकि गाइज एनी के चैनल पे एक ओबीसी आर्क सुप्रीम की सीरीज चालू है। और मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स का बटन आपको लाइक शेयर और डिसलाइक के बटन के साइड में मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कर दे आज के इस वाले एपिसोड का शुरुआत बिना किसी देरी के और मचा देते एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या टीम कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे। वैसे बॉस टर्मिनल बॉस ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट कुछ है कि नहीं गाइस यहाँ पे? ओ बॉस टर्मिनल बिर्मिनल तो पता नहीं यार, लेकिन ये तो है कुछ तो भाई स्पाइनोसॉरस ट्रॉफी ऑफ ओके ये तो कुछ चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे। भाई यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मैं बना सकता हूँ। मैं मैजिक सीख लूँ क्या? लेवल 1 वाटर जार आइस्ड वाटर जार चाहिए भाई। रुक जाओ रहते हो वाइब्रन को चेपने दो, इसको मैंने पता नहीं गाइस क्या उंगली करा था मेरे को मारने के लिए आया भाई। आइस वाटर जार ओ आइस वाटर जार तो मेरे को मिलेगा नहीं ना, आइस्ड वाटर चाहिए यार इसके लिए तो। आइस्ड एलिमेंट ये क्या चीज़ है भाई? अरे बाप रे भाई ये तो एक गाइस कोई इंसान भी इंसान बन सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें बन सकती है, बट इन सबको बनाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मटेरियल चाहिए जो कि अभी फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। एंड मैं बॉसेस को मारने की सोचूँ तो यहाँ पे मेरे को बॉस जो है ना गाइस बॉस टर्मिनल भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, ठीक है नहीं दिखाई दे रहा बॉस टर्मिनल नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आगे जाके हमको पता चलते जाएगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें जो ना कि जिन मॉड में ऐड हुई है। ट्राइक देखो भाई पप्पा का घर है क्या? पप्पा का घर है, लाड में आ रहा भाई, लाड में घूमने के लिए आएगा भाई यहाँ पे। चलो गाइस अभी जो ना गाइस मैं क्या करने वाला बताया क्या ए, अंडा मेरे पास एक था, रुक जाओ इस अंडे को सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे जो ना गाइस बिन के अंदर रख देता हूँ ताकि थोड़े टाइम तक जो ना गाइस सिक्योर रहे। फ्यूचर में गाइस इस अंडे से अपन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अभी जो ना गाइस मैं ग्रिफिन पे ऊपर बैठ के जा रहा हूँ गाइस यहाँ पे ढूंढने के लिए कुछ नए नए से डायनोस, कुछ नए नए से मॉन्स्टर्स जिनको हमने कभी भी अभी तक टेम ना करा हो गाइस, ठीक है। इनसे मॉन्स्टर्स को एंड भाई ऐसे डायनोस को मैं ढूंढने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को जाना चाहिए गाइस यहाँ पे डेजर्ट में, वहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कोई ना कोई ओबीसा डायनो। पुग्नेशियन बॉस बीस टर्मिनल क्या होता है यार? पुग्नेशिया के बॉस मेरे को पता है काफ़ी खतरनाक वाले होते हैं। टेलीपोर्टर है बॉस टर्मिनल मोइमो पता नहीं यार,
गाइस मेरे को बॉसेस जो ना गाइस वो बनाने पड़ेंगे एक एक करके। मुझे पता नहीं कि अभी भाई बॉसेस बिजनेस बनाते कहाँ पे भाई। ठीक है मैं खेला हूँ ये मॉड, बट एक दो साल पहले खेला हूँ तो मेरे को अभी याद नहीं कि क्या। और वो जाकर इधर जाकर टेमेबल और ना वेट अ मिनट टेमेबल है भाई पुग्नेशन मेक नॉकआउट टेम, बट इसका भाई मेरे को टॉर्पर दिखाई नहीं दे रहा, सो इसको भगवान के पास पहुँचा देता हूँ। एक हेल्थ पे बचा है, डिस्ट्रॉय हो चुका है 6 लाख का डैमेज, एंड इसका टेमेबल वर्जन हमको यहाँ पे मिल चुका है। ओ बॉस है क्या गाइस वहाँ पे? ये कोई बॉस है क्या? ओए टाइटन गॉड एलिमेंटल टाइटनोसॉरस ड्रॉप अ वॉल्केनिक लेगिंस यूज मैच्योर अटैक टू ओके ठीक है ऑलराइट कैन आई दिस बास्टर्ड आई डोंट थिंक भाई स्टन कर दिया भाई। अबे यार स्टन कर दिया भाई लो। अरे बेटे अरे भग जा उड़ जा उड़ जा काले हाँ। बाप रे भाई इस बॉस को भी मार नहीं सकता इतना आसानी से, मैंने कि इसको फटका दिया लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। यार तू कौन है बे? तीर बनेगा भाग भेज गया लाड में आ रहा भाई। दे दे कुछ दे रहा है तो केरेटिन बेरेटिन मिल जाएगा शायद से। हाँ केरेटिन मिल गया। यहाँ पे मिक्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे डेजर्ट में असली डायनोस है यार। ये किसका आवाज है? ऐसा आवाज ही आ रहा है कि कोई पेड़ बीड़ काट रहा है यहाँ पे। अबे भगना अंकल जी जाओ ना भाई। यार काश मेरी ग्रिफिन के पास कोई स्पेशल पावर होती और मैं मार देता भाई इनको एक फटके में, लेकिन कोई ना चलो इससे भी काम बच जाएगा भाई। टाइटन गॉड तो गाइस यहाँ पे स्पॉन हो चुका है गाइस ठीक है, और उसे दर्शन भी अपन ने भाई कर लिए। आवाज क्यों आ रही है ऐसे? ऐसी आवाज क्यों आ रही है पता नहीं यार क्यों आ रही है। मैं क्या रही क्या टाइटन्स और नॉर्मल है दे चाहिए भाई, नॉर्मल वाला नहीं चाहिए। ज़ोंबी टाइटन और 20 मिलियन टॉर्पर गाइस ज़ोंबी टाइटन को टेम कर लो। मैं भी एक गाइस ज़ोंबी टाइटन वर्सेस वो बॉस टाइटन क्या फाइट होएगा यार क्या फाइट होएगा भाई एकदम सॉलिड वाला फाइट हो जाएगा बाबा भाई। ज़ोंबी टाइटनोसॉरस वर्सेस वो वाला भाई टाइटनोसॉरस हाँ टॉर्पोर देने में अपने फट जाएंगे बाबा इसको, वो अलग बात है क्योंकि इसको इतना आसानी से टॉर्पोर नहीं दे पाएंगे अपन। और मेरे पास जितने गाइस एरो भाई पड़ी हुई है मेरे को नहीं लग रहा कि उससे मैं इसको भाई नॉकआउट कर पाऊंगा गाइस, बट गाइस फाइट तो एकदम ओपी वाली होगी भाई। ज़ोंबी टाइटनोसॉरस वर्सेस गाइस एलिमेंटल था क्या वो पता नहीं गाइस वो कौन सा वाला था भाई। 1 मिलियन तो दे दिया है मैंने, मेरे को और ज़्यादा टॉर्पोर देने वाली कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। वैसे 1500 लेवल है गाइस ज़ोंबी टाइटनोसॉरस का। गाइस ट्राई मार के देख लेते गाइस ट्राई मार के देख लेते भाई अभी तो भाई एक काम कर लेते ये यूजलेस है गाइस ठीक है क्योंकि इसका टॉर्पोर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला उतरेगा। तो इस रीज़न से हम लोग पहले तो गाइस अभी यहाँ पे चलते हैं अपने घर पे, घर पे चल के मेरे को और ज़्यादा ना ट्रैंक वाली एरोज बुलेट बनानी है ताकि यहाँ पे जो ना गाइस मैं उसको नॉकआउट कर सकूँ। लगभग भाई 10 बुलेट मारने के बाद मैं उसको 1 या 2 मिलियन भाई टॉर्पोर दे पाया था, सो मेरे को 100 बुलेट तो कम से कम चाहिए होगी। सो मैं यहाँ पे जो ना गाइस ट्रैंक बना लेता हूँ ये वाली बना ले भाई 85 क्यों बन सकती है। गन पाउडर नहीं है, मेटल इनगट नहीं है, नारकोटिक नहीं है, क्या कमी पड़ रही है भाई क्या चीज़ की कमी पड़ रही है पता नहीं यार क्या चीज़ की कमी पड़ रही है। नारकोटिक की कमी पड़ रही है क्या? नारकोटिक की कमी पड़ रही है आर यू कॉमेडी में भाई। अबे नारकोटिक अभी बोले तो भाई ये ले भाई 1000 में यहाँ पे बना डालूँ मैं नारकोटिक। मजाक कर रहा पांडे जी तुम्हें मजाक कर रहा हूँ, ये लो भाई नारकोटिक बनाने के लिए डाल दिया रुको रुको गाइस यहाँ पे भाई गन पाउडर बनाने के लिए डाल बड़ाल गन पाउडर बनाने के लिए ये ले भाई गन पाउडर बनाने के लिए डाल दिया, सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डाल दिया गाइस ठीक है। माना तो अपने पास भर के बड़ा हुआ है ओके, एंड तू यहाँ पे ट्रैंक बनाने के लिए डाल दे। हमको ट्रैंक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी गाइस। बॉक्स किलर भाई ज़ोंबी टाइटनोसॉरस जो टेम करना है अपन को यहाँ से क्या नारकोटिक उठाता नहीं क्या भाई तू शायद से नहीं मे बी पता नहीं भाई ओके वी गो। अरे नारकोटिक नहीं भाई ट्रैंक बना पाएगा। गन पाउडर चाहिए क्या? सो गन पाउडर नहीं है क्या भाई यहाँ पे 6000 गन पाउडर? अरे यार गन पाउडर तो यहाँ पे पड़ी हुई है यार भर के ये ले 6000 भाई। चलो गाइज आ जाओ भाई ज़ोंबी वाले गाइज उसी ना भाई टाइटनोसॉरस को तो मैं टेम करके रहूँगा। नारकोटिक कम पड़ेगा अभी अभी गन पाउडर कम नहीं पड़ेगी अभी नारकोटिक कम पड़ेगा। चलो आ जाओ 100 तो एरोज भाई कम से कम मेरे को लेके जाना है गाइज 100 बुलेट्स एक्चुअली में डार्ट्स मेरे को लेके जाने 100 ऑल राइट कितने बन रहे 20 मोर 100 प्लस हो जाएंगे गाइज। चलो देखते हैं गाइज कि इससे हम जो ना गाइज उस टाइटनोसॉरस को नॉकआउट कर पाते कि नहीं।
और नारकोटिक स्टिल चाहिए यार बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा नारकोटिक यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 1000 और नारकोटिक बनाने के लिए डाल देता हूँ। एंड जो 1000 नारकोटिक बना है उससे लास्ट टाइम पे जो ना गाइस यहाँ पे मैं ट्रैंक वाले ये डार्ट बना लेता हूँ। चलो गाइस कितने बन रहे हैं भाई, 20 और बन रहे हैं, 127 टोटल डार्ट हो चुके हैं। असेंडेड वाली गन गाइस यूज करके हम लोग उस टाइटेनोसॉरस को टेम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ ग्रिफिन सर बिठा लो, हाँ चलो गाइस चलते हैं गाइस अभी यहाँ पे लास्ट लोकेशन पे एंड उस ज़ोंबी वाले टाइटेनोसॉरस को टेम कर लेते हैं। उसको टेम करने के लिए खाली मेरे को जो ना उसको 3 ज़ोंबी ब्रेन खिलाने पड़ेंगे, मतलब मेरे को किसी और ज़ोंबी टाइटन को मार के उसकी ब्रेन निकाल लेना है और वो इस टाइटन को खिला देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। टॉर्पर कितना है भाई, 1.80 है अभी स्टिल। ये ले भाई, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ भाई, ये ले भाई 2 बिलियन और 2 मिलियन एक्चुअली में, नॉट बिलियन। कैसे हो सर, क्या चाल, 2.2 गाइस इसको टाइम लगेगा यहाँ पे नॉकआउट करने के लिए, 2.4 2.5 ओके देखो 6 7 8 8 नहीं चढ़ रहा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होगा होगा गाइस, योगा से होगा, टेंशन नहीं लेने का, टाइम लगेगा थोड़ा बट हो जाएगा गाइस। शांत हो गया गाइस, ये तो शांत हो गया, बोल रहा है भाई टेम कर लो। चलो इसको भी बताया गाइस कि ये कुछ कर नहीं पाएगा अपने सामने, तो आराम से गाइस अपन लोग इसको टेम कर रहे हैं गाइस, दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसको तो डायरेक्टली उस भाई टाइटन से भिड़ाने वाला हूँ मैं, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी बैंड ना बच जाएगा गाइस, ज़ोंबी टाइटेनोसॉरस की। कम ऑन भाई, ओके ओके ओके, होगा होगा होगा, नो प्रॉब्लम, 4 मिलियन चढ़ गया गाइस, ठीक है। अभी बोल सकते हो 25% अपने इसको टॉर्पर चढ़ा दिया, ठीक है, और हमको जो ना गाइस और 25% इसको टॉर्पर चढ़ाना है। चलो गाइस तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फाइनली इसको जो है ना गाइस 75% तक यहाँ पे टोटल टॉर्पोर जो है ना गाइस वो चढ़ा लिया है, 15 मिलियन हो चुका है, 5 मिलियन आखिर का इसको टॉर्पोर चढ़ाना बाकी है। एंड ये किसी भी वक्त जो है ना गाइस अभी यहाँ से भगना चालू कर सकता है गाइस, ठीक है, किसी भी वक्त यहाँ से जो है ना गाइस भग भग गए ये यहाँ से भाई जा सकता है कहीं पर भी, तो इसका पीछा कर करके मेरे को इसको, अरे बाप रे वाइब्रन विवरण आ रहे भाई यहाँ पे, तो भाई करप्टेड फायर वाइब्रेंट है, इसकी अगर नज़र पड़ गई ना तो हमारे टेमिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी गाइज। और वहाँ पे एक छुटकू कोई तो बॉस भी दिखाई दे रहा है, उस बॉस को तो पहले मारने की कोशिश करूँगा मैं भाई, ठीक है रुक जाओ, पहले तो इसको जो ना कहे इसी से मारूंगा भाई, इसी से मारूंगा उसको। मेरे को एक और ज़ोंबी क्रिएचर जो ना कहे वो ढूंढना पड़ेगा गाइज, क्योंकि मेरे को 13 ब्रेन की जरूरत पड़ेगी टाइटेनोसॉरस को जो ना कहे यहाँ पे टेम करने के लिए। कितना हो गया, 17 मिलियन, भग क्यों नहीं रहा है यार, है गाइज भाग नहीं रहा है, ये भाग नहीं रहा गाइज भाई, लगभग जो ना गाइज 18 मिलियन टॉर्पोर जो ना गाइज इसका यहाँ पे चढ़ने वाला है अभी भाई, 17 मिलियन और ये चढ़ गया गाइज इसका समझ लो 18 मिलियन भाई। ये लो गाइज 18 मिलियन टॉर्पोर जो है ना गाइज वो यहाँ पे इस भाई हमारे ज़ोंबी टाइटेनोसॉरस का चढ़ चुका है, खाली अभी भाई यहाँ पे इसको जो ना गाइज 2 मिलियन टॉर्पोर देना है, लेट्स गो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी पीजी ब्रदर, इजी पीजी। 18.6 एंड एवी गो 18.9 19 मिलियन टॉर्पोर गाइस यहाँ पे हम लोग ने इसको चढ़ा दिया है, ओके 19.1। अबे जल्दी 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 कितने आ रहे भाई, मेरी बुलेट्स पे उतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई यार, देख रहे हो ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई बुलेट्स मेरी, ये लो गाइस ओके 19.5 एंड दो और बुलेट भाई, दो और बुलेट 19.6 7 8 और एक आखिरी वाली बुलेट और ये टाइटेनोसॉरस डाउन भाई। चलो सर जी इज नॉट डाउन, ये अभी डाउन हो गया भाई, ठीक है चलो आ जाओ। तो मेरे को एक और ज़ोंबी क्रीचर ढूंढना पड़ेगा, ट्राई किया तो अबे भाई थोड़ा ट्राई किया यार, 59 है भाई, 59 है, 59 है। एक काम कर ले यहाँ से ना एक घर पे, हाँ ये छोड़ देता हूँ, इसका कैसे है स्केलेटन गिगांथोसॉरस है भाई, ज़ोंबी क्रीचर मेरे को चाहिए होगा कोई तो गाइज, ठीक है, उसके बिना यहाँ पे टेम कर पाना ना गाइज उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट मेरे को ज़ोंबी मिलेगा कहाँ पे, मरमेड हवा में उड़ रहे भाई इसके भाई, यही देखना बाकी था भाई, मत बेस क्या मरमेड हवा भी हवा में उड़ रहा भाई, ज़ोंबी कोई नहीं है क्या यहाँ पे, अबे जाना भाई इसके आग निकल ले भाई, अंकल जी निकल लो गाइज, मेरे को ज़ोंबी क्रीचर ढूंढना पड़ेगा भाई। अबे यार यार यार, अरे स्केलेटन फायर भाई मुर्गी, अच्छा एंशिएंट टर्की, एंशिएंट टर्की, एंशिएंट टर्की है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये एंशिएंट टर्की कहाँ कहाँ पे होती है भाई, कौन कौन से मॉड में होती है, हर मॉड में आजकल देखने को मिलते हैं यार एंशिएंट टर्की। ज़ोंबी वाला एक भी नहीं है क्या क्रीचर, ओ वाओ पिछली से भाई जकड़ लिया, निकल ले, हाँ निकल ले, इतनी ज़ोंबी क्रीचर यार,
भाई यार ज़ोंबी क्रीचर की बिना काम नहीं होगा अपना। नॉर्मल टाइटन ज़ोंबी वैसे दूर से पहचान लेता हूँ मैं गाइस। क्रीचर स्केलेटन रेक्स नॉर्मल मैमथ्स है। ज़ोंबी है क्या इसमें कोई? ना नॉर्मल चाली को दे रही हमें। अरे यार ज़ोंबी ब्रेन नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ज़ोंबी ब्रेन तो मेरे को दिख नहीं रहा गाइस कहीं पे मेरे को मिलेगा करके। ट्रांसमीटर अगर मैं बनाता ना तो उसे ज़ोंबी क्रीचर का मैं पता लगा सकता था, बट लग रहा है कि अभी वो भी ना बना पाऊंगा। टाइटेनोसोरस ओके टर्की जी ये खा लो भाई पट्टे से हेडशॉट। देथवॉर्म बिथवॉर्म घूम रहे गाइस यहाँ पे। ठीक है मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ गाइस यहाँ पे देखता हूँ। अगर नहीं होगा ना तो मैं सैडल लेके आता हूँ, सैडल से भी टेम होगा ना। डायरेक्ट लेकर मैं उसको सैडल पे ना देता हूँ। वैसे सर क्या हाल चाल भाई? वहाँ पे तो कोई बड़ा सा बॉस यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई बड़ा सा पौधा है भाई। हेलो ये क्या चीज है? एक बड़ा सा पौधा बॉस। व्हाट द हेल इज दिस ड्यूड? वाओ ओके ये क्या है भाई? चलता फिरता पौधा लिटिल प्लांट। भाई ये लिटिल प्लांट होता है तो बिग क्या होता है बाबा? मैं नज़दीक नहीं जाना चाहूँगा, मेरे को जकड़ भी कर सकता है। मैं जो ना कहीं घर पे चलता हूँ, रुक जाओ पहले तो लास्ट लोकेशन पे चलता हूँ, वहाँ से घर पे जाऊँगा, टाइटेनोसोरस का सैडल बनाऊंगा, लेके आऊँगा उसको पहनाऊंगा इजीली डैम, और उसका डैमेज भाई मिलियन में जाना चाहिए। भाई यहाँ से थोड़े में गया था भाई, मैं तो इधर से गया था यार। हाँ ये रहा टाइटेनोसोरस, टेंशन नहीं लेना, ब्रेन नहीं मिल रहा लेकिन सैडल मिल जाएगा। खाली जाके इसको सैडल पहना देना, ही टेम हो जाएगा भाई। ठीक है टाइटेनोसोरस सैडल गाइज ओके। ज़ोंबी टाइटन का सैडल है क्या? जरा मैं इन्वेंटर में चेकआउट कर लेता हूँ कि ज़ोंबी टाइटन का सैडल बिडल बनता है कि नहीं गाइज। ठीक है सो यहाँ पे पुग्नेशियन टाइटेनोसोरस सैडल है, टाइटेनोसोरस प्लेटफॉर्म सैडल है, एंड नहीं यार और कुछ नहीं है। पुग्नेशियन वाला और वो वाला दोनों लेके जाओ क्या? दोनों लेके चल लूँ सैडल? टाइटेनोसोरस सैडल तो यहाँ पे बनेगा ना, ये रहा टाइटेनोसोरस सैडल। और पुग्नेशियन वाला एक काम कर लेता हूँ भाई। ठीक है अपने पास एक टाइटन होगा, हाँ इसका मैं निकाल लेता हूँ। अगर ये वाला वर्क करा वहाँ पे तो सही है, अगर नहीं करा तो नॉर्मल वाला वर्क कर लेगा गाइस। ठीक है आ जाओ, ये रहा बन गया नॉर्मल वाला सैडल भी। चलो गाइस लेट्स गो, अभी अपने ग्रीन एल को लेके चलते हैं और भाई फाइनली ज़ोंबी वाले उस टाइटन को टेम करके यहाँ पे लेके आते हैं। और अगले एपिसोड में अगर उसने अभी डैमेज तगड़ा वाला दिया, मिलियन में भी डैमेज दे पाया वो, क्योंकि हमारे ग्रिफिन का डैमेज आपको बताया गाइस कितना जा रहा है भाई। ठीक है सो अगर ये मिलियन में भी डैमेज दे पाया ना तो भी भाई इससे मैं बॉस फाइट ले लूँगा। ठीक है वेट अ मिनट, पहले तो इसको भाई मैं टेम कर पा रहा हूँ कि नहीं सैडल डाल के, वो देखने दो। आहा मेरी जान, पुग्नेशन वाला नहीं लगा क्या? ओ ये वाला नहीं लगा, अरे दोनों लग जाएंगे, अबे दोनों लग जाएंगे यार, क्या ही सीन है, दोनों लग जाएंगे नो प्रॉब्लम हो। आ जाओ गाइस सो एक्सेस इन्वेंटरी का है भाई, अरे कहा है एक्सेस इन्वेंटरी भाई, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? अबे यार एक सैडल था, आइए रहा मिल गया ना एक सैडल, हाँ भाई ठीक है। वो शायद से भाई थोड़ा सा अंदर था ना जमीन के, उस रीजन से मैं उसके ऊपर बैठ नहीं पा रहा था। ज़ोंबी टाइटेनोसोरस ये रहा, एंड ओ स्टिल नॉकआउट, वाह भाई वाह, अभी तक नॉकआउट ही है, हो जा भाई अभी तक बेहोश कैसे पड़ा था पता नहीं यार मेरे को। हो गया गाइस, कान फाड़ दे रहा है गेम काउस थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं। और गाइस ज़ोंबी टाइटेनोसोरस बॉस किलर, क्या है बॉस किलर बन पाएगा देखते चलो। हेल्थ कितनी जा रही है भाई, हेल्थ कितनी जा रही है इसकी? 70 तो गई थी, अभी 80 कर देता हूँ। ठीक है अबे यार इसकी हेल्थ कम ज़्यादा क्यों हो रही है बे? इसकी हेल्थ कम ज़्यादा क्यों हो रही है? 7 मिलियन हेल्थ, अब खुद दो है क्या तू? मार इसको मार, 80,000 अबे घर जाएगा मेरा इसमें। ये क्या फालतू चीज सेम कर ली यार मैंने भाई, ये कौन भाई डीजे पर आओ, गाना कौन बजा रहा रे? अबे गाना कौन बजा रहा डुच्चुक करके भाई यहाँ पे, गाना कौन बजा रहा? बेस की डेट निकल ले, गाना कौन बजा रहा? कोई बॉस बजा रहा है क्या? पता नहीं भाई गाना बज रहा था भाई यहाँ पे, शायद से उस वाले बॉस के नजदीक जाने से गाना बज रहा भाई, एकदम फुल कॉपीराइट वीपीराइट गाना बज रहा था गाइस। भाई देखना सुनना गाइस, सुनना 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 सुनना, देखो सुनना
कहाँ पे भाई? बचाओ भाई, नहीं बचा रहे गाइस। ये टाइटन बहुत घटिया है, मजा नहीं आएगा जिसको टेम कर गए भाई। इतना घटिया टाइटन मैंने जिंदगी में ना देखा यार, क्या बोलूँगा इसमें आपको भाई। इससे अच्छा कोई पावरफुल सा डायनो टेम कर लेता। इसको 20 मिलियन टॉर्पोल देने के लिए भाई हमको कितनी सारी एरोज वेस्ट करनी पड़ी इसके ऊपर। ये देखो, सुन रहे हो गाइस? गाना सुन रहे हो? आ डिजिक 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 भाई, कॉपीराइट दोगे क्या? निकल रहा होगा इसमें यहाँ पे भाई, बॉस फाइट ना हो पाएगी गाइस इससे बॉस फाइट तो भाई बिल्कुल भी ना हो पाएगी, बिल्कुल भी ना गाइस। ठीक है, सोचना भी नहीं गाइस कि इससे हम बॉस फाइट कर सकते गाइस जिस वाले टाइटन से भाई। अबे कहाँ, अबे गाना काहे बजा रहा स्टील? हाँ गाइस, ये वाला टाइटनसोरस दिखने में भले ही काफ़ी ज़्यादा ओपी हो, बट इससे बॉस फाइट जो ना गाइस नो नहीं नक्को इल्ले भाई ना हो पाएगी। इसका हेल्थ भी जो ना गाइस मुश्किल से 9.8 मिलियन जा रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो मेरा वाइब्रेंट डैमेज दे दे भाई। और इसका डैमेज भी अगर देखा जाए तो 1-2 लाख ही जा रहा है, उससे ज़्यादा डैमेज जो ना गाइस इस टाइटन का जा नहीं रहा। हमने खाली फोकट यहाँ पे इस टाइटनसोरस को टेम कराया गाइस, खाली फोकट, पता नहीं क्यों भाई टाइम वेस्ट हो गया जिसको टेम करके यार। अरे भाई क्या बताओ आपको, चलो आ जाओ कोई ना ग्रीनल के ऊपर बैठ के मैं चला जाता हूँ और देखता हूँ गाइज कि यहाँ पे उस क्या बोलते ड्रैगन का रायू का वो कितना उतर है, फूड बार कितना उतर है। इज रेडी टू ईट और नॉट ब्रो? 2000 वाला किधर है? अबे यार वो तो इधर उधर घूमता रहता है भाई। 1000 2050 यही है क्या, पता नहीं यार। अब इसका फूड बार डाउन हो गया क्या? 2050 वाले काफ़ी सारे यहाँ पे घूम रहे हैं। ओ ये रहा, ना 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 ना, फूड तो डाउन नहीं हुआ है बट इसका अभी तक भाई रेडी टू ईट लिख के नहीं आया, अभी तक रेडी टू ईट लिख के नहीं आया है। और इसका लगभग आप बोल सकते हो 5000 फूड डाउन हो चुका है, 5000, और स्टिल रेडी टू ईट लिख के नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है उसका भाई 30-40 हज़ार फूड डाउन होना पड़ेगा, तब तो जाके गाइस वहाँ पे रेडी टू ईट लिख के आ जाएगा और उसके बाद हम जाके उसको टेम कर सकते हैं भाई। ठीक है, मतलब वापस से खिला सकते हैं फूड, एंड जब मैं खिलाऊंगा ना एक बार तो फिर भाई बार बार खिलाने का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट वाला जो खिलाने के बाद जो टाइम लगता है ना, सेकेंड वाला फूड खिलाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है। बाकी आप बताओ यार कि टाइटनसोरस कैसे लगा यार आपको? हमने फोकट में टाइम वेस्ट कर लिया, मेरे को लगा था गाइस कि हम बॉस किलर डायनो को टेम कर रहे हैं, पर मेरे को लगा नहीं था कि गाइस कि ये बॉस किलर डायनो इतना ज़्यादा नल्ला निकलेगा गाइस। मैं उस टाइटनसोरस बॉस को मारने के लिए मैं इस टाइटनसोरस को टेम कर रहा था, बट ये मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कुछ खास कर पाएगा। जिसका बेसिक डैमेज कितना जा रहा है एक बार देख लूँ मैं गाइस। रुको रुको, पहले चिकआउट कर लेता हूँ ऐसे भाई, इतने ज़्यादा जल्दी जज नहीं करेंगे हम लोग। ओके बैठ जा, एपीएम के पोशन खिला, डार्ट नहीं भाई, पोशन डार्ट तो इसने बहुत ज़्यादा खा लिया। ये मत बोलना कि भाई इम्प्रिंट ना होता, ज़ोंबी इम्प्रिंट ना होगा। कान फाड़ रहा है कान, ठीक है भाई ठीक है। अटैक कौन से? 2 लाख? ना 2 लाख, बॉस के ऊपर 20,000 डैमेज पड़ेगा। नहीं रुको रुको, बेटा मैं दूसरा अटैक, 2 लाख भाई उतना ही डैमेज जा रहा है, 2 लाख। रुको आ गए, इसको बेस पे जा डाल के आता हूँ, आवाज काफी लाउड आ रहा है। ओके मैं यहाँ पे पार्क करके रख देता हूँ गाइस भाई टाइटनोसोरस को। इसका डैमेज गाइस 2 लाख का जा रहा है, जो कि डैमेज मेरे हिसाब से बॉस को मारने के लिए बिल्कुल भी इनफ हे नहीं, क्योंकि जो टाइटनसोरस बॉस है उसके ऊपर जब मैंने ग्रिफिन से डैमेज करा था, अटैक करा था, जिस ग्रिफिन का 1 लाख डैमेज पड़ता है उस ग्रिफिन का उसके ऊपर 10,000 का डैमेज पड़ रहा था। मतलब उस टाइटनसोरस बॉस के पास खुद का एक तगड़ा सा आर्मर है, एंड अगर मेरा 2 लाख डैमेज वाला डायनो अगर उसको मारने के लिए जाता है तो उसके ऊपर 20,000 का टोटल यहाँ पे डैमेज पड़ेगा गाइस। ठीक है, सो मतलब वो यूजलेस ही रहेगा गाइस यहाँ पे, एंड मैं उतने कम डैमेज के साथ जो ना गाइस बिल्कुल भी यहाँ पे मार नहीं पाऊंगा उस बॉस को। तो हमने इस ज़ोंबी टाइटनसोरस को जो है ना टेम करके मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली गलती कर ली है, और इसके पीछे जो ना गाइस मैंने काफ़ी सारे अपने रिसोर्सेज जो ना गाइस वो भी यहाँ पे अभी वेस्ट कराए हैं। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, काम कर लेते हैं अभी। ये आज का जो एपिसोड है ना गाइज वो फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं।
मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में देखते हैं किसी पावरफुल से, खतरनाक से, डेंजरस से डायनो को टेम करने की हम कोशिश करेंगे, जो उस बॉस की ना बैंड बजा सके गाइस, ठीक है, बैंड बजा सके। इसे डायनो को मैं टेम करने की जरूर से कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.